धे टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड या फिर डी नागालैंड। इसका उत्तर है डी, यानी नागालैंड। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नागालैंड के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में रानी गाइडिनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। विभिन्न हिस्सों में बन रहे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय हमारे समाज को एकजुट करने में मदद करेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे संग्रहालय गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर में भी बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि रानी गाइडिनल्यू को 1972 में ताम्रपत्र, 1982 में पद्म भूषण, 1983 में विवेकानंद सेवा सम्मान, 1991 में स्त्री शक्ति पुरस्कार और 1996 में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल ने 19 अक्टूबर 2016 को एक फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS रानी गाइडिनल्यू को कमीशन किया था। अब बारी है दूसरे सवाल की। INS वेला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कलवारी और स्कॉर्पियन श्रेणी की सबमरीन INS वेला को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। दूसरा ऑप्शन, प्रोजेक्ट 75 के तहत यह देश की चौथी सबमरीन है। तीसरा, इससे पहले INS कलवरी, INS करंज और INS खांडेरी को भारतीय नौसेना को सौंपा जा चुका है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक और दो, बी दो और तीन, सी एक और तीन या फिर डी एक दो और तीन। इसका उत्तर है डी, यानी एक दो और तीन। मझगांव डॉक लिमिटेड में बनी देश की चौथी पनडुब्बी INS वेला को 25 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। यह एक स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है जो प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है। इसे समुद्र की साइलेंट किलर भी कहा गया है। इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसे रडार सिस्टम को धोखा देने योग्य बनाती है, यानी रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा और यह दुश्मन को भनक लगाए बिना ही अपना काम पूरा कर सकती है। स्कॉर्पियन कैटेगरी की यह पनडुब्बी एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन वॉर, खुफिया जानकारी जमा करने, माइन बिछाने, निगरानी जैसे कई मिशन को अंजाम दे सकती है। इसे अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाया गया है। इसके टॉप साइलेंसिंग तकनीक, लो रेडिएटेड नॉइज लेवल, हाइड्रो डायनेमिक शेप, निर्देशित हथियारों का इस्तेमाल कर दुश्मन पर अटैक करना इसे खास बनाता है। इसके जरिए पानी के भीतर या सतह पर एक ही समय में टॉर्पिडो के साथ साथ ट्यूब से लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल करके हमले किए जा सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा सवाल। कुद्रेमुख नेशनल पार्क जो अभी हाल में सुर्खियों में था, किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है बी, यानी कर्नाटका। हाल ही में कर्नाटक के उडुपी जिले में कुद्रेमुख वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने शोला उत्सव का आयोजन किया और इसके जरिए कुद्रेमुख नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य आदि जगहों पर शोला ग्रासलैंड्स, यानी जो घास भूमियां हैं, उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता का प्रचार प्रसार किया। यह उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास भूमियां हैं जो पश्चिमी घाट के भिन्न भिन्न हिस्सों में पाई जाती हैं। केरल और तमिलनाडु की कई नदियां मूल रूप से शोला घास भूमि क्षेत्र से ही निकलती हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना समुद्री सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी, जिसे कहते हैं ओ स्मार्ट योजना, इसको किस अवधि के दौरान जारी रखने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं ए 2021 से 2023, बी 2022 से 2026, सी 2021 से 2026 या फिर 2022 से 2027। इसका उत्तर है सी।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 24 नवंबर को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की 2177 करोड़ रुपए की लागत वाली अम्ब्रेला योजना समुद्री सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी जिसे शॉर्टकट में ओ स्मार्ट कहते हैं को 2021 से 2026 की अवधि के दौरान जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना में 7 उप योजनाएँ शामिल हैं जैसे कि समुद्री प्रौद्योगिकी समुद्री मॉडलिंग और परामर्श सेवाएं, समुद्री अवलोकन नेटवर्क समुद्री निर्जीव संसाधन यानी नॉन लिविंग रिसोर्सेज समुद्री सजीव संसाधन और इकोसिस्टम तटीय अनुसंधान एवं अनुसंधान पोतों का संचालन और रखरखाव। इन उप योजनाओं को यानी सब स्कीम्स को राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद राष्ट्रीय ध्रुवी एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा समुद्री सजीव संसाधन एवं इकोलॉजी केंद्र कोच्चि और राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र चेन्नई जैसे मंत्रालय के स्वायत्त संबद्ध संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अब बात करते हैं आज के अंतिम और पांचवें सवाल की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को अगले कितने वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं ए 3 वर्ष बी 5 वर्ष सी 7 वर्ष या फिर डी 8 वर्ष। इसका उत्तर है बी यानी 5 वर्ष। व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक यानी 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षकों को 3054 करोड़ रुपए की वृत्तिका सहायता देने के लिए अपनी मंजूरी दी है। उद्योग और वाणिज्यिक संगठनों द्वारा लगभग 9 लाख प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। NATS भारत सरकार की एक सुस्थापित योजना है जिसने सफलतापूर्वक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने में योगदान दिया है। तो ये था हमारा आज का डेली MCQ कार्यक्रम। आप हमें बताएं कि आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए कितने गलत हुए और अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।